गाइस तो लोली सेलिब्रेट होने वाली है और जो नीचे हमारे अंकल जी रहते हैं मतलब दक्ष के दादू, उन्होंने कई बार इनवाइट कर दिया कि सोसाइटी में भाई लोली मनाई जाएगी तो आप लोग प्लीज आ जाना। बट घर पे कौन कौन है? मिक्की, मैं और हेमंत भैया, इंस्टा और प्रशांत। तो हम लोग यहाँ पे हैं। तो रचित और ऋतिक गए हैं फ्यूजन कार्स। सब लोग तो नहीं जा सकते, जो लोग घर पे अवेलेबल है वही जाएंगे। पता है मिक्की क्या कह रहा है कि दीदी रेडी हो जाओ अच्छे से, लोरी मनाएंगे तो सूट वूट पहन लो और चोटी वोटी बांध लो, इयररिंग्स वगैरह पहन लो, मतलब ऐसे तैयार होके चलेंगे तब मतलब आपका अच्छा व्लॉग बनेगा। मैंने कहा अबे यार इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में मैं सूट वूट क्या ही पहनूंगी, इतना मोटा स्वेटर पहन रखा है, पैरों में डबल डबल सॉक्स पहन रखी है, 2-3 लोवर पहन रखे हैं, मतलब एक नीचे जो स्टॉकिंग होती है गरम उसके ऊपर, मतलब मैंने 3 कोटिंग करी है, 3 लेयर पहना है। और ये आपको तो दिख ही रहा होगा ये कितना मोटा स्वेटर है, मतलब बिल्कुल फर वाला। स्टिल मेरे को ठंड लग रही है, मैं ऐसे में कैसे ही कोई सूट वूट डालू, अभी मैं घर के अंदर हूँ तो इतनी लग रही है, अगर मैं घर के बाहर गई तो कितनी ज्यादा ठंड होगी। तो मेरी तो बिल्कुल हिम्मत है नहीं कि मैं तैयार व्यार होके ऐसे सज धज के जाऊं, पर हाँ सोसाइटी के किसी फंक्शन में मैं पहली बार जा रही हूँ तो तैयार होके जाना तो बनता है, पर कैसे तैयार हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछती हूँ मैं इनसे। उससे पहले आप ये देखो इंस्टू से मिल लो, इंस्टू इतनी ठंड हो रही है फिर भी ये कांच के टेबल पे ठंडे ठंडे शीशे पे ऐसे बैठा हुआ है। इंस्टू बेटू तुझे ठंड नहीं लग रही? कैसे बैठा है तू राजा बाबू की तरह, देख रहे हो भैया? देख रहे हो बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं दे रहा ये। राजा बाबू बेटा नीचे चलेगा लोरी मनाने? चलेगा, टेम्पो भी आ रहा है। देख टेम्पो के नाम पे देख 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 कान खड़े हो जाते हैं इसके, लप्पू सा इंस्टा है और अपने दोस्त के नाम पे इसके कान खड़े हो जाते हैं। है भाई, भाई इसने पता है इसने क्या किया है? सॉरी ये सब इग्नोर करना, हमारे घर में ऐसे ही पड़ा रहता है लाइट वाइट। ये अपना बेड पूरा फाड़ के, आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, ये देखो बेड पूरा फाड़ दिया है और इसके रोए मोए देखो, इसकी रुइयां इसके गद्दे की सब निकल रही हैं। ये देखो इसमें ठंड बिल्कुल भी नहीं रुकती क्योंकि ये सारी रुइयां निकाल निकाल के खेल जाता है और अब इसी पे बैठता है। मैंने सोचा था कि सुई धागे से इसको अच्छे से सिल दूंगी, पर आप खुद देखो मैं इसको कैसे सिलूंगी, कोई है जगह यहाँ पे सिलने की रुइयां भर के? कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, एक ऑप्शन नहीं छोड़ा कि मैं इसको अच्छे से बना दूं। मैंने कहा मर तू फिर इसी पे। फिर मैंने सोचा था कि इसके लिए ना नया बेड लेकर आऊंगी, पर फिर ना मैंने ये बिछा दिया मैट निकाल के, हमारे बेड में ये मोटा सा ये रखा हुआ था मैट, तो ये बिछा दिया, अभी इसी पे पड़ा रहता है, ये अपने बेड पे भी नहीं सोता जब से इसने रुइयां फाड़ दी। जब इसको कुछ नई चीजें चाहिए होती है ना उसको ये फाड़ देता है बिल्कुल, कि अब तो फाड़ दी अब नया आएगा, है ना बेटा? बहुत क्यूट है तू, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, ऐसे मासूम सा मुंह बना के मेरे से सारी चीजें मंगवा लेता है अपने लिए, है ना इंस्टा? इतना सुंदर बेटा है तू, सारे नखरे आते हैं इसे। क्या क्या दिखा रहे हो आप इसे? दो दो एक मिल्क बोन दो निकाल के इसे, ये देख रहा है ये। ये दो एक बार खिलाती हूँ मैं इसे, देख अब देखना इसकी एक्टिव कैसे हो जाएगा। ओहो ये क्या है, ये खाना है? खाना है बेटे को? नहीं मैं ऐसे नहीं दूंगी, पहले कुछ करके दिखाओ, बोल के दिखाओ, स्पीक स्पीक करके दिखाओ, स्पीक ऐसे, हाथ तो मैंने हेलो तो किया ही नहीं, बोल के दिखाओ पहले, फिर लगना चाहिए ना लोगों को कि तू समझदार है। अच्छा चल हेलो कर, वाओ वेरी नाइस नाइस, अब स्पीक स्पीक स्पीक, अरे वॉल्यूम के साथ आवाज नहीं आ रही, स्पीक, अरे आवाज कहाँ है, स्पीक और तेज और तेज और तेज, ढंग से आवाज आवाज के साथ पहले भौंक के दिखा, स्पीक, नहीं अच्छे से और अच्छे से, ओ वाह वाह वाह, समझदार इंस्टू। हाँ बैठ के खा लो उसी पे भाई, अभी चलते हैं मिक्की के पास। हेलो मिक्की, हाउ डू यू डू, एक मिनट को खड़ जा तू। मैं कह रही थी कैसे कह रहा, तू तैयार है नीचे जाने के लिए? नहीं बस बाल बनाऊंगा। बाल हैं तेरे, बनाएगा तो
कटवा लिए तूने? अभी कटवाया, बहुत महंगे से। क्या कह रहा है मैं, मतलब ऐसे सही नहीं लग रही, ऐसे नहीं जा सकती। अभी तूने ही तो बोला कि दीदी सूट वूट डालो, चोटी वोटी बना लो। हाँ, मैंने बस गेटअप, ये तो क्यों एक्साइटेड होता भाई तू? इसको इसको लग रहा है जा रहे हैं। मैं बस ये कह रहा था वो पहनोगे तो और बढ़िया लगोगे। सूट वूट तू अगर एक टी शर्ट में चलेगा, एक शर्ट में, तो मैं पहन लूंगी। तू तुझे स्वेटर नहीं पहनना, इससे ज्यादा अच्छा नहीं लग सकता आप। लग रही हो ना, देखो स्टेटमेंट कैसे इसने 2 सेकंड में चेंज कर दिया स्टेटमेंट। लॉजिक ये समझ लिया वैसे, मतलब मुझे कह रहा है आप सूट पहन लो। मैंने ये और बोला था उसके ऊपर कुछ पहन लेना भाई। अगर मैंने सूट पहना उसके ऊपर, मान लो यही जैकेट पहन ली, ये हुडी पहन ली, तो वो सूट पहनने का फायदा ही क्या, वो दिखेगा ही नहीं। चोटी दिखेगी। ये देख ना, बना रखी है पोनी। ये तो पोनी है। हाँ, इतने लंबे बाल नहीं मेरे, जब एक्सटेंशन कराऊंगी ना तब बनाऊंगी वो चोटी। जब लंबे बालों में बनती है वो चोटी, परांदे वाली कह रहा ना। करने जा रहे हम लोरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ओके, कैसे होती है? आज चलेंगे पहली बार, हम भी देखेंगे हमारी सोसाइटी में कैसी लोरी सेलिब्रेट की जाती है, और आपको भी दिखाएंगे। उससे पहले ऐसे तो नहीं जा सकती, उससे पहले मैं फटाफट जाती हूँ और रेडी होकर आती हूँ। और मेकअप? मेकअप तो करूंगी यार, थोड़ा तो करूंगी। जरूरत नहीं है ऐसा। नहीं, मैं करूंगी यार, ऐसे नहीं है, तू बता। नहीं है जरूरत। अरे जरूरत हो ना वो मैं करूंगी। तू बता, तू कैसे तैयार होगा? मैं यही कपड़े पहन के जाएगा? नहीं, नहीं सही लग रहा है तू। ये मैं 2 दिन से पहन के घूम रहा हूँ। लड़के मेरे को बाल बढ़िया है, ठीक है। हाँ। अभी मैं पैंट चेंज करूंगा, ऊपर का चेंज करूंगा, जूते पहनूंगा। लड़कों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, बस तू मुंह धो ले पानी से और चल। ये तो सुनना था मेरे को। तो तेरे को जरूरत नहीं है कुछ भी, तैयार होने की जरूरत है सिर्फ मुझे। इंस्टू को भी तैयार होने की जरूरत नहीं है। ये भी तो लौंडा ही है, ये भी तो लौंडा है प्यारा सा, है लोरी में जाएगा। चल एक पुच्ची दे दे, एक पप्पी दे दे, पकड़ियो एक पप्पी लू मैं इसकी। ए पप्पी दे दे, मुंह छुपा रहा है तू, लौंडे पप्पी दे। मुंह पे नहीं करूंगी तेरे, मुंह से खुज आता रहता है ना तू इधर उधर। नहीं तू मुंह पे करना चाहता है ना, मुंह पे। हाँ लेट जा, इसलिए तेरे मुंह पे नहीं करी मैंने, इसलिए तेरे मुंह पे नहीं करी। चलो गाइस मैं रेडी होकर आ रही हूँ। भाई मैं तैयारी होने जा रही थी, लेकिन मुझे ना बाहर से ढोलक की आवाज आ रही है, धुम लक लक धुम धुम लक लक। तो देखते हैं कहाँ से आ रही आवाज। भाई यही सोसाइटी से तो आ रही थी, मेरे बाहर आते बंद हो गया। भाई यहाँ ग्राउंड में देखो सारे बच्चे खेल रहे हैं इतनी ठंड में। वैसे ही अच्छा रहता है ठंड में, ऐसे खेलो ना तो बॉडी वार्म हो जाती है, ठंड नहीं लगती। और मुझे देखो मैं आलसू की तरह पड़ी रहती हूँ। यहीं से तो आ रही थी आवाज। कुछ तो चल रहा है ये नीचे, कुछ तो चल रहा है। कौन है ये? अच्छा ये जो अंकल है ना, तक्ष के दादू, मतलब ये तक्ष की बुआ है। मैं बाहर आई, इंस्टू भी बाहर आ गया देखने के लिए। वो देखो हमारे गार्ड भैया घूम रहे हैं। भाई बहुत देर से बोल रही हूँ मैं, 1 घंटे से तैयार हो के आ रही हूँ, पर गई नहीं अभी तक तैयार होने, पर अब फाइनली जा रही हूँ मैं तैयार होने। अभी बताऊँ टाइम कितना हो रहा है, दिखाती हूँ। ये देखो 7 बजने में सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं, मैं 25 मिनट में तैयार होके आ जाऊंगी। आज करेंगे थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो, चुटकी बजाई और कपड़े चेंज, ठीक है। 1 2 3 जंप करो जल्दी। वाह 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 दी, आप रेडी हो गए? बस हो रही हूँ, थोड़ा सा खेल लूं। मैं खाऊंगी। रेडी होने जा रहे थे, इसके साथ खेलने लग गए आप। मैं खाऊंगी, अच्छा ले मैं खाऊंगी। ये मुंह पे काट लेगा आपके? मेरे काटेगा। अगर इरिटेट हो गया तो देखिए ये वीडियोस आपने। मेरे नहीं काटता, कुछ भी हो जाए मेरी पिता नहीं काटेगा मेरा पिता। हैं तू मेरे काट लेगा? हैं बचपन से तेरा काला पोसा टैटू बन गया, कोई बात नहीं धुल जाएगा। बता इंस्टा सिट, मैंने बता तू मुझे काटेगा? मैंने तुझे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, 2 साल तक तेरी सूसू पोटी सब साफ करी है, नहीं काटेगा ना? नहीं काटेगा ना? भाईचारा ऑन टॉप, माँ बेटे का प्यार ऑन टॉप। मैं खा लूं से, बता बहू बहू कर बहू। हाय मुझे पानी गिरा रहा है, दे दो उसे। बहू कर बहू कर बहू बहू। डरा देता है, डरा देते हैं मोटू। जाओ आप अब। कोई बात नहीं, तू कितना घिन खाता है। रेडी हो जाओ, इससे नहीं कह रहा मैं। ये थूकी तो है मेरे बेटे का। थूक रही है वो। कोई बात नहीं, वो बीमारी है। कोई बात नहीं, अभी चेंज करूंगी, साफ सुथरा करूंगी। बेटा जब घर में है तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा ना इंस्टा की नवाबी की। नहीं चल पलट। अरे रे 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 रे। इंस्टा भौंक रहा है, कौन आया? गेट खोलो जल्दी, कौन आया कौन आया? अरे भैया ये कौन आ गया? क्या बेहतरीन स्वागत कर रहा है इंस्टा। आराम से आराम से, ठंड पड़ रही है। ठंड पड़ रही है, ठंड तो पड़ेगी जनवरी में। अरे इतनी ज्यादा थोड़ी तो पड़नी चाहिए। छीन लेना उससे, तोड़े ना भाई, ढंग से रख लो। हिल गया मैं तो। हिल गया कह रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे लगा कह रहे हो हील हो गया। क्या लाए हो ये मेरे लिए? गाजर का हलवा। उसका मुंह देखो, पीछे रिएक्शन देखो। ओहो
गाजर का हलवा। मैं इतनी दूर से बाइक पे गाजर का हलवा लाया। बाइक से आए हो? नहीं, मैं तो आया मतलब मेट्रो से, यहाँ मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक बाइक से। अच्छा अच्छा, ये मम्मी ने दिया होगा पक्का। चाय बनवाऊं? हाँ चाय, पहले पानी। पानी भैया, पानी दे दो और फिर चाय बना देना। भाई हम तो जा रहे थे लोरी में। कौन कौन लोरी? सोसाइटी में लोरी मनाई जा रही है ना। अच्छा, तो आज कौन क्या डेट है? आज 13 है ना। हाँ हाँ, तो मनाई जाएगी। तो अभी जाना था, अभी हमें बस निकलना ही था, वैसे ही तुम आ गए। वैसे ही इसमें तो कपड़े दिख रहे हैं मुझे, वो जो मैं पिछली बार पहन के गया था। अच्छा वो है, वो वाले। ओके गाइस, भाई आया था लास्ट टाइम, पता है आपको क्या हुआ था? जब एक्सीडेंट हुआ था, भाई के पैंट फट गई थी पीछे से, फिर यहाँ से रचित के कपड़े पहन के गया था, फिर ये वापस लेकर आया। इंस्टू स्वागत कर दिया। अभी जिम जाऊंगा मैं। यहाँ पे तो होगी ना, इसमें बंद हो गया ये क्लब। अरे ये बंद हो गया, और तो होगा। और है, जाओ। अच्छा सब्सक्रिप्शन है क्या? यही सोच के थे क्या? मैं अब वहाँ छूटेगा, मुझे ये था कि यहाँ पे है तो चला जाऊंगा, अगर नहीं है तो नहीं जाऊंगा। डंबल रखे हैं घर पे? कौन से हैं? कितने किलो के चाहिए? 5 किलो। और ये क्या था? कितने किलो के चाहिए? 20-25 किलो कम से कम। एक हाथ में? भाई साहब, एक हाथ में 25 किलो का डंबल, सोच रहे हो? मैं अपने पूरे शरीर पे और सर पे भी नहीं उठा सकती ये एक हाथ में। एक हाथ पे मैं लटक जाती हूँ, एक हाथ में मिक्की और प्रशांत। ह्यूमन बॉडी की बात अलग है, मैं जितनी ग्रिप से, मैं जितनी टाइट ग्रिप से पकड़ूंगा तुम लोग को दर्द होगा फिर उतना तेज उठाने में। एक डेड वेट में और लिविंग वेट में फर्क होता है। So guys, मैजिक पन्नी से निकल रहा है। ये कैसे कैसे थैले में लपेट के लाए हो? तो कपड़ों पे ना जाए। वन ऐसे पैक किया है ना, एक बूंद कहीं नहीं गिर सकता। किसका हलवे का? इतना सा लाए हो भाई, तुम्हें सिर्फ सूंघने को मिलेगा, ठीक है? ओके। हाँ, इतने चिटके कपड़े। अब अगर ऐसे में लाने लगू तो मुझे पता है यहाँ कम से कम 10 लोग हैं, पूरा का पूरा एक कढ़ाई भर के लाना पड़ेगा कढ़ाई। तो गाइस ये देखो, गाजर का हलवा मेरी मम्मी ने भेजा है घर से खाने के लिए ठंड में। अगर सर्दियों में आपने गाजर का हलवा नहीं खाया तो क्या ही खाया। चम्मच ला दे यार, एक टेस्ट करके देखूं। सही है, मेरे तो जुकाम हो रखा है, खुशबू भी नहीं आ रही है, बस खा के टेस्ट बता सकती हूँ। इंस्टो परेनो चल, हड्डी वड्डी खा के बैठा है ना। कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे ऋतिक मैं और इंस्टा हेमंत शाम मिक्की, मतलब मिक्की, और बुरा मान गया। भाई टेस्ट करके अभी आपको बताती हूँ कि मैं कैसा बना है गाजर का हलवा, सुखा दूंगी देख मत। ओके हाँ 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 हाँ, बोलो 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 बोलो। स्वाद आ गया। नशे हो गए गाजर का हलवा खा के, नशे हो गए मेरे। भांग भांग मिलाई क्या इसमें? पी लूंगी भैया, मैं कभी मना करती हूँ आपको? चल पहले तू, गंदा कर रहा है कपड़े, ये देखिए क्या कर रहा है। बना दिया टैटू, टैटू बना दिया इसने। बहुत मस्त हलवा है, इतना इतना दे दूंगी। ओके तो सूंघ के भी खुश था। अरे अभी सूंघ ले, बाद में मत करियो। नहीं वो बाद में सूंघ लो। एक चम्मच से दे दे, सुई सुई से निकाल निकाल के खाएंगे। इसे गायब कर दो हलवे को, छुपा दो। पता चले लास्ट टाइम केक की तरह डब्बा भी नहीं मिला। इसे छुपा दो। अरे मैं अपने रूम में लेके जा रही हूँ, मम्मी ने बेचारी ने मम्मी ना मम्मी का फोन आया था, उन्होंने बोला मैंने बनाया था इतना सा, तेरे को एक टिफिन में भर के भेज दिया, अभी मैंने रख दिया ना फ्रिज में, मेरे को ये डब्बा भी नहीं मिलेगा, ये भी गायब। डब्बा भी गायब? हाँ यार, लास्ट टाइम केक रखा हुआ था, केक का डब्बे गए पता नहीं कूड़े में भी, डब्बा छान लिया। वो तो हफ्ते भर ढूंढा हमने, हफ्ते भर हमारी सीबीआई बैठी थी इसमें इस मुद्दे पे कि भाई किसी ने केक खाया तो खाया, लेकिन वो उसका डब्बा तो मिले रैपर का, पता है? सुनो हमने रैपर कहाँ ढूंढा था, सुनो, यहाँ डस्टबिन में, बाहर डस्टबिन में, ऊपर छत पे, नीचे भी ये देख के आए थे बेसमेंट में, तीनों चारों कमरों में, बालकनी में, मतलब पूरा हिसाब लगाया था पूरा, मतलब ऐसा ठस्सा मार दिया उसको भाई डब्बा तक। भाई यहाँ कूड़ा अगर कोई फेंकेगा तो कूड़े में तो फेंकेगा, उसका खा के वो भी नहीं पता चला, एक चूरा तक नहीं पता चला उसका, मतलब स्मेल नहीं आई, गायब कहाँ। ऐसा भी हो सकता है ना कि लेके कोई अपनी गाड़ी में या कैसे भी बाइक पे कैसे भी लेके बाहर गया हो, खा के वहीं बाहर ही फेंक दिया हो। यार ऐसा को, ऐसा इतना करेगा, इतना टाइम भी तो नहीं था ये सब करने का, जिस बंदे ने वो रात के टाइम गायब हुआ है, रात सुबह सुबह के टाइम ये लोग गए थे वहाँ,
बालाजी दोबारा से रात को आए थे हम। मैं अकेले थी, मैंने इनको फोन किया। क्या भूत खा गया क्या? वही तो बता रहे हो। और पीछे से रोने की आवाज नहीं आती क्या? पता वो खा गया आती है बाथरूम में से, एग्जॉस्ट में से आती है। लो हां बाथरूम में बैठो तो आती है उधर से। हमने ये सोचा था भाई कि क्या पता इंस्टा खा गया हो। उसके बाद बस अभी केक गायब हुआ है भाई। ये देखो नाइके के जूते, ये कब लिए? ये लिए हैं 3-4 दिन हो रहे। कितने के पड़े? कितने के पड़े? रेट नहीं बताते क्या? अच्छा मत बताओ, महंगे होंगे यहाँ, या तो महंगे होंगे या तो सस्ते होंगे, यही दो ही बात हो सकती है ना। तो भाई ये देखो चाय वाय बनवा दी है, एक मेरी एक भाई की। अब हम, वैसे तो हमारा जाने का प्लान था लोरी में, लेकिन अब भाई आ गया तो अब हम मारेंगे गप्पे, करेंगे थोड़ी चुगल चट्टी दोनों बैठ के। हेलो दक्ष, हेलो करो, हेलो, हाय नहीं, हेलो। अच्छा ये देखो, ए रचित कहाँ है? इंस्टा का इंस्टा भाई, तुम सोसाइटी में आ गए हैं। ये लोरी जलाने के लिए अहोई बोलते, क्या बोलते इसे? नमस्ते अंकल जी, हैप्पी लोरी। जलाने की व्यवस्था कर दी गई है। अब इतने लोग हैं, सब लोग नहीं आए अंकल जी? आने वाले हैं। मैं पहले आ गई, आप पहले आ गए। अच्छा ये वॉचमैन अंकल भैया आए थे बुलाने, कहाँ गए वो? मुकेश भैया। भाई मैं भाई को भी लेके आ गई नीचे, हम ही आ गए पहले, मुझे लगा लेट हो रहा है। अभी तो कोई आए भी नहीं। हाँ अभी जलेगी थोड़ी देर में। भाई ये देखो सोसाइटी में धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कितने सारे इकट्ठा हो चुके हैं। हम पहले आ गए थे, काफी लोग आ गए हैं, काफी बाकी हैं, अभी देखते हैं कितने लोग आते हैं। वो प्यारा सा क्यूट सा तक सबके बीच में बैठ गया है। गाइस मैं रेडी होने तो जा रही थी पर मैं हुई नहीं, क्योंकि यू नो मेरा भाई आ गया, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, और मैं ऐसे ही मुंह उठा के लोहड़ी मनाने आ गई। ओ भाई आग जल गई है, देख लो यहाँ पे अभी बहुत तेज जलेगी। हाई फाई कर जल्दी कर। रुक जा तू, रचित को बुलाती हूँ। रुक, पिट्टी करूंगी तेरी पिट्टी। इधर आ जल्दी आ, जल्दी आ। एक क्यूट सा खिला दे मुझे भी। आ नहीं, आ नहीं नहीं। तो गाइस ये देखो भाई और मैं तो आ गए थे, मिक्की और प्रशांत भी आ गए हैं। पर ये क्या है, ये कुछ देखा सा लग रहा है। ये क्या है, ये क्लोथ कलेक्शन बांट रहे हो आप? या। भाई प्रशांत ने मिक्की की जैकेट पहन रखी है। मुझे क्या गिफ्ट मिली है? गिफ्ट दे दी पहनी हुई, नहीं देता भाई खरीद के। गिफ्ट ये वाली थोड़ी दूंगा, नहीं देगा ना, ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है। किसी ने बहुत तारीफ करी है इसकी। क्लोज से मुंह देख लो इसका, देखो कितने फोड़ो रखे इसके मुंह पे। होते हैं भाई, भी इस एज में होते हैं। तू अपनी शक्ल दिखा, तेरी भी रखी है भाई। इसकी नाक इतनी लंबी है, इस पे हाईवे बनवा दो। रोस्ट हो गया, हाईवे बनवा दो तेरी नाक से। ये वाला बन तो रहा है। यस। ये मेरे पीछे पीछे घूमे जा रहा है कब से, पागल। भाई देखो क्या मस्त मस्त गाने। ओ इतनी भीड़ हो गई, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो पीछे ही खड़ी रह गई। ये वाला गाना सुन रहे हो? हाँ। कोई गाना याद आया? सारी दुनिया जला। अभी मैंने ये ब्रेक डाउन करा है, अभी रिसर्च करी है मैंने, इस गाने की कॉपी है। तो भाई मैं पूरी रील बनाऊंगा, इसपे एक्सपोज करूंगा। भाई मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ना ऐसे, तो मैं अंकल जी से पूछ रही हूँ कि जैसे आते हैं हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं, जिनको इनवाइट किया होता है, तो क्या कुछ लेके आना होता है? तो अंकल कह रहे नहीं ऐसे ही आना होता है, पर करना क्या होता है वो बाकी की चीजें अंकल बनाएंगे। बताओ ना थोड़ा सा लोहड़ी के बारे में। प्रसाद होता है, मूंगफली होती है, रेवड़ी होती है, और मक्के के दाने होते हैं। तो ये प्रसाद हमें मिलेगा? प्रसाद मिलेगा, खाने के लिए भी मिलेगा, ऊपर चढ़ाने के लिए भी मिलेगा। क्या क्या प्रोसेस होता है? अभी जब चालू होगा देखना। हमें बस गोल गोल घूम के डांस करना होगा। हाँ डांस भी। चल आप भी करोगे? अभी ढोल भी आ रहा है। अरे वाह भाई मजा आने वाला है। Yeah.
ये दोबारा दिया अंकल ने, कह रहे हैं मीठी मीठी इस सब्जी से डाल दो, शुभ होता है, डाल के हाथ जोड़ लेना है। भाई बहुत तेज आंच लग रही थी ठंड में भी। सही कह रहे हैं, सूट पहन के आना चाहिए था, इतना गर्म हो रहा है आपको। यार तो पता नहीं था ना, पहली बार तो बना रही हूँ मैं लोरी। नेक्स्ट टाइम गाइस अभी डांस करेंगे डांस। भाई ये हमें मिला है प्रसाद, ये खा जाऊंगी सारा। तो गाइस ये देखो हमारी आग बुझ चुकी है लमसम, और हम सब ने बहुत अच्छे से लोरी सेलिब्रेट करी। ये हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं भाई, बहुत अच्छी लोरी हमने सेलिब्रेट करी फर्स्ट टाइम। तो इतने सारे लोग आए थे, काफ़ी लोग तो चले भी गए। सही लगा, मस्त लगा बना के। भाई मैं तो जा रही ऊपर, मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से रेडी वेडी होके आऊँगी, पर कुछ नहीं कर पाई हूँ मैं। पता नहीं फ़ोन में कैसी वीडियो बन रही है मेरे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, और आप सभी को हैप्पी लोरी, हमने तो कर ली सेलिब्रेट। आपकी लोरी कैसे रही प्लीज कमेंट में जरूर करना। बाय बाय, लव यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।